हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे दोस्त की आई थी कॉल। वो कह रहा था यार सुबह लाहौर जाना है, तो उसने तो कहा है कि सुबह के 4 बजे, लेकिन दोस्तों का पता है आपको टाइम पहले बताते हैं आते बाद में। तो मैंने कहा क्यों ना रात को व्लॉग स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम हो चुके हैं रेडी। भाई ने कहा था 4 बजे होंगे, लेकिन भाई तो 3:30 बजे आ गए थे। वो तो शुक्र करें मोबाइल साइलेंट पे नहीं लगा हुआ था, वरना नींद नहीं खुलनी थी। अहमद भाई अभी नाश्ता कर रहे हैं, अभी इसके बाद चलते हैं। अहमद भाई कहाँ जा रहे हैं आज हम? लाहौर। लाहौर जा रहे हैं जी। सही हो गया, अभी सम्मी को भी उठाने घर जाके। इंशाल्लाह नाश्ता आ चुका है, बहुत अच्छा लगा। और ये गैजेट्स वगैरह हमने तैयार कर लिए। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं सम्मी को लेने। वो भी सोया हुआ था, अभी उसे कॉल किया, उठाया, उसे रेडी करवाया। तो फ्रेंड्स हमारे साथ आ चुके हैं समी भाई और ये हमारे ड्राइवर साहब। तो अभी जा रहे हैं एक और दोस्त को लेने, उसके बाद हम डायरेक्ट लाहौर। और जी अहमद भाई नहीं उसको गया। अच्छा, तो समी भाई को तो आज फर्स्ट टाइम हमने पहली कॉल ही की थी, तो भाई उठ गए थे। भाई अपने कपड़े भी साथ लाए हुए भाई, सिलवाने ही नहीं। भाई मेरा दोस्त अब्दुल्ला आ रहा है, मैंने उसको दे दी। अच्छा, मैंने कहा शायद सिलवाने के साथ उठाए, लाहौर से सिलवाने आपने। Feel alright, I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. अभी हम पहुंच चुके हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने। तो ये हमारे साथ अहमद भाई मौजूद है, जिन्होंने हमारे साथ अभी नाश्ता भी किया था। और ये समी भाई आ चुके हैं। मैंने किया नाश्ता यार, अफसोस है नाश्ते कर लिए अकेले अकेले। मैं भी दोस्त हूँ तुम्हारा यार। अच्छा यार, आपका नाश्ता इंशाल्लाह लाहौर से करवाएंगे। भूखा मर जाऊँ मैं तो। बस अब निकलते हैं, टाइम तकरीबन 4:30 बज रहे हैं, सुबह भी होने वाली है। जब ये गाड़ी आई थी ना, ये बड़ी साफ़ रहती थी। अहमद भाई ने इसके लिए स्पेशल डिटेलिंग के लिए सामान लिया हुआ था, लेकिन जब से ज़्यादा दिन हुए हैं ना, ये देख सकते हैं आप, गाड़ी बहुत ख़राब है। पेट्रोल पंप वाले सोए हुए हैं, भाई खुद अपना शीशा साफ करने जा रहे हैं। ये साथ हमारे ये भाई भी काम करवा रहे हैं। शाबाश यार, अच्छी तरह मारो, अच्छी तरह मारो, नज़र आना चाहिए, जीरो सीन नहीं होना चाहिए। जिसने आज तक अल्लाह माफ़ करे घर साफ, कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके सोता है, बंदा वो भी नहीं करता। ये देखो यहाँ पे किसी का नंबर लिखा हुआ है। अच्छी तरह मार यार। यार इसके देखिए यहाँ पर कुछ डोर थी यार, हवा भर दे यार। आजा भाई सोए हुए थे और ये खुद अपना काम कर रहे हैं। नहीं रखा 28 कर 28 कर। 30-30 ठीक है, चलो भाई भरो। उस्ताद जी कैसे उसका आगे वाला बोल ही नहीं है। इससे भर आज हम आपको हवा भरना सिखाएंगे। देखी अभी उधर कुछ आप भी आगे नहीं। नाकाम कोशिश के बाद भाई खुद आ चुके हैं। सर्दियाँ चली गई हैं तो अब फोग वगैरह भी कम होती है। रात का सफर ना वैसे भी बड़ा अच्छा होता है, सुकून दे। अब इस वक्त इतना रश भी नहीं है। अब अब्दुल हकीम पहुँच चुके हैं हम। ये भाई ड्राइवर है हमारे, 2 मिनट आपको दिखा देते हैं। आज हमारे वो जो को ड्राइवर है वो पीछे बैठे हुए हैं, वो ज़रा अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। समी भाई सो रहे हो जी भाई? अच्छा उठा मैं फिर, ठीक है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब्दुल हकीम टोल प्लाजा पे। हमारे जो राइट साइड पे भाई बैठे हुए उन्हें फुल नींद आ रही है, और ये समी भाई फुल नींद पूरी करके आए, इसलिए इन्हें पूरे सफर अभी कॉम्प्लेन पिला के दी। अभी हम रुके हैं क़यामत आम पे पानी लेने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं ले रहे। भाई हमारे आज कैशियर हैं, आज जितना भी खर्चा होगा भाई देंगे। भाई एक रेड बुल भी उठा लेना भाई जान। हेलो, 150 की बोतल, 150 का कितने दिए?
बोतल 50 रुपये। माशाल्लाह यार, ये पाकिस्तान की मोटरवे के क्या मुताम के हालात हैं। आओ भाई। फाइनली दिन हो चुका है और हम लाहौर में पहुंच चुके हैं। पीछे वाले दोनों भाई सो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, और सभी भाई ड्राइव कर रहे हैं। इस वक्त हम रावी पहुंच गए, अब चल के नाश्ता करते हैं। मॉडल टाउन जाएंगे अभी कोका किचन खाने, बड़ा मशहूर है सुने। सो फाइनली हम आ चुके हैं नाश्ता करने। सो अहमद भाई तो आधे से कम रास्ता हुआ था, अभी सो गए थे। भाई ड्राइविंग कर रहे थे और भाई को साथ में ज़रा टाइम पास करवा रहा था। तो अभी नाश्ता करने हैं, नाश्ता ऑर्डर किए गोगे के चने और साथ कुलचे। समी भाई कहते हैं भाई को नान ले आना और कुलचे भी ले आना साथ। अहमद भाई आप इस बारे में क्या कहेंगे, नान और कुलचे? यार ये कम अकली और कम इल्मी का नतीजा है, सब कुछ और क्या कह सकते हैं। यार अहमद भाई जब आप सोए हो ना, आपके तो साथ भाई आए हुए हैं, उन्होंने लगाएंगे कवालियाँ। नुसरत की कवाली थी उसमें साथ चिमटे चल रहे थे। और ना सर ऐसे पट रहा था, भाई को कह भी नहीं सकते थे ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दो। भाई साहब मुझे बार बार कह रहे थे यार तेरे अंदर कॉन्फिडेंट है, उससे कह डिस्कनेक्ट कर। लेकिन वही कॉन्फिडेंस ही। तो फाइनली हमारे पास आ चुके हैं कुलचे और साथ चने, अभी ये खाते हैं। भाई जान देखो अभी बैठे नहीं है और ये भाई स्टार्ट हो गए। भाई ने रात को खाना भी नहीं खाया था, दरअसल इशू ये है। You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. अब मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। अभी नाश्ता करते हैं, फ्री होके फिर आप खा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हमने नाश्ता कर लिया है, अब हम जा रहे हैं दोस्त के पास। सो फ्रेंड्स अभी हमने अपने दोस्त को छोड़ दिया है एग्जामिनेशन सेंटर और अभी भूख लग रही थी। सुबह नाश्ता भी 8 बजे किया था। अभी DHA आए हुए हम। समी भाई क्या खाने आ रहा आज? बिहारी रोल। एक ना मैंने भाई को खिलाया था बिहारी रोल, थोड़े दिनों पहले आया था मैं इसी साल। और तो भाई कह रहे हैं आज वही खाते हैं। तो अभी DHA फेस 5 की मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ जाके रोल खाते हैं। फिर आप कुछ दिनों के बाद आज हम पहुँच चुके हैं हार्डीज। आज इनका बर्गर ट्राई करेंगे। समी भाई बैठे हैं गाड़ी में और मैं ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। अभी ऑर्डर आता है तो फिर लेके गाड़ी में चलते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं जिसमें हमारे पास बर्गर्स हैं, साथ फ्राइज हैं और कोल्ड ड्रिंक है। अभी ये खाते हैं। समी भाई स्टार्ट करो यार। लो भाई फुल ऑन फायर है। जानी हो गया ना स्कैम? जब भी तू बात करता है हमेशा स्कैम होता है। जानी कैसे स्कैम हुआ है? फ्रेंड्स हार्डीज अच्छा है लेकिन हमने ना इनकी डील ली थी, ऑफर चल रही थी तो उन्होंने फिर डील के हिसाब से ही हमें खाना दिया। तो बाकी टेस्ट वाइज तो अच्छा था। फ्रेंड्स फाइनली हमने हार्डीज खा ली है, अब हम वापसी हॉस्टल जा रहे हैं अहमद के पास। अहमद को लेना है और बैरिया टाउन जाना है उसके घर।
वहाँ पे थोड़ा सा काम है, उसके बाद फ्री होके वापसी भाई को लेने यूनिवर्सिटी से जहाँ पे वो पेपर देने गए हुए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह शायद आज ही लाहौर से हम मुल्तान निकल जाएं। हम हार्डिस खा के आ गए थे हॉस्टल, वहाँ पे आके सो गए थे। अहमद भाई को बहुत उठाया था कि यार चलते हैं बैरियर टाउन, लेकिन अहमद कहते हैं कि अभी नहीं, सोने दो, नींद पूरी करने दो। ऐसे बात कर रहे थे जैसे चार दिन से नींद ही नहीं पूरी की। सो समी भाई भी सो गए थे और अहमद भाई अब फ्रेश हो चुके हैं, फुल रेडी हो चुके हैं, अब बस जा रहे हैं दोस्त को लेने जो पेपर देने गया था। उसके बाद बैरियर टाउन जाएंगे। अभी हम आए हुए हैं बैरियर टाउन, तो अभी यहाँ से कुछ खाते हैं, देसी खाने का मूड बना है तो कढ़ाई ऑर्डर किए हैं हमने। अभी कढ़ाई खाते हैं और उसके बाद अहमद अपना काम कंप्लीट कर ले तो फिर मुल्तान निकलते हैं थोड़ी देर तक। गाइस फाइनली हमारा खाना आ चुका है अब। सो अभी खाना खा के फ्री हो चुके हैं, अब अहमद को लेना है उसके घर से, तो उसके बाद यहाँ से पास ही पड़ता है मुल्तान मोटरवे, तो मोटरवे से अब मुल्तान निकलते हैं। तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि रात के निकले हुए और सफ़र सफ़र सफ़र, उसके बाद सोया भी इतना नहीं हो, दोपहर को बस एक घंटा नींद पूरी की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।